ये आपने क्या दिया है? आपने हम सोचा आपने किसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया था बात करने के लिए, अब ये घूस टाइप का देने की हम ये मैम ये चलिए ये गलत है। आप ये बड़ी पैकेट खीर आप हाथ को लीजिए, आप ये पैसे इसमें आपने पैसे दिए थे, आप चेक करिए इसमें पैसे मुझे नहीं मालूम तो पैसे हैं उसमें, आप घूस दे रही हैं आप हमको, ये बहुत बड़ा क्राइम है मैम। तो मैम गुड नहीं दक्षिणा नहीं तो हम ऐसा कुछ नहीं मैम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब हमको क्राइम बड़ा इतना पैसा आप दे रही थी इसमें आप ये मुकदमा लिख जाएगा मैम आपको ऊपर, बहुत गलत काम कर दिया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHN न्यूज़ और हम हैं आपके साथ CK सिंह। कानपुर शिक्षा जगत से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मानक के विपरीत संचालित हो रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पत्रकार को देनी चाहिए घूस, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर महानगर में कानपुर विकास प्राधिकरण को कोई परवाह ही नहीं है, चाहे मानक के विपरीत बिना नक्शा अप्रूव्ड विद्यालय बनाकर संचालित करना हो या फिर अवैध बिल्डिंग निर्माण जैसे तमाम कार्यों में संलिप्त कानपुर विकास प्राधिकरण। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के पनकी में कानपुर विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा अप्रूव्ड मानक के विपरीत अवैध बिल्डिंग बनाकर DD मेमोरियल पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्य ने खुद पत्रकार के स्टिंग वीडियो में कैमरे में ये कबूल किया कि कानपुर विकास प्राधिकरण से नोटिस आ चुका है लेकिन सेटिंग गेटिंग से हमारा विद्यालय चल रहा है, और तो और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़। छोटी सी जगह में दो खंड का विद्यालय बनाकर बिना सुरक्षा के उपकरणों की अनदेखी के साथ मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे पत्रकार के द्वारा मौके पर जांच पड़ताल करने पर DD मेमोरियल विद्यालय की प्रधानाचार्य ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वह विद्यालय हमने किराए पर दे रखा है, जबकि क्षेत्रीय लोगों और आसपास के लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह विद्यालय स्वयं उनके निजी है, जो उस विद्यालय में स्वयं भी रहते हैं, प्रधानाचार्य वही हैं और वो खुद ही प्रबंधक हैं, जबकि उनका झूठ पत्रकार के वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जब विद्यालय प्रधानाचार्य प्रबंधक ही झूठ की बुनियाद पर विद्यालय चलाएंगे तो फिर मासूम बच्चों को क्या संदेश जाएगा? विद्यालय प्रधानाचार्य ने पत्रकार को लिफाफे में देनी चाहिए घूस, इसका भी वीडियो पत्रकार के कैमरे में हुआ कैद। विद्यालय में मानक के विपरीत सारे साक्ष्य पत्रकार के कैमरे में मौजूद, सुरक्षा के उपकरणों की अनदेखी, विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा अप्रूव अवैध छोटी कॉलोनी में विद्यालय संचालित होना, जानकारी करने पर सत्य को छुपाते हुए ओल झोल जानकारी देने, और तो और जब पूरा मामला सामने आ गया अपने विद्यालय में खामियां, मानक के विपरीत कार्य, विकास प्राधिकरण से नोटिस होने के बावजूद सेटिंग गेटिंग से विद्यालय को संचालित करना, सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी और बहुत ही खामियां जब उजागर हुई तो DD मेमोरियल विद्यालय की प्रधानाचार्य ने एक लिफाफे में पत्रकार को घूस देने की भी कोशिश की। पत्रकार ने तुरंत इसका विरोध किया और उनको लिफाफा वापस करते हुए उनको समझाया कि आपके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा सकता हूं, आप एक पत्रकार को घूस दे रहे हैं जिसका वीडियो विजुअल पत्रकार के कैमरे में हुआ कैद। अब ऐसे में सोचना यह है कि जब विद्यालय में खामियां नहीं, विकास प्राधिकरण से सेटिंग गेटिंग नहीं, शिक्षा अधिकारी का मेल जोल नहीं, तो इतनी सारी खामियां होने के बाद भी पत्रकार को घूस क्यों दिया जा रहा था? सबसे बड़ी बात है जब इससे भी नहीं काम बना तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किसी समिति के पदाधिकारी से फोन कराकर पत्रकार को धमकी देने की कोशिश की। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर पत्रकार अपनी सच्चाई के तहत पत्रकारिता करता है तो या तो उसको गोली से हमला करवा के दबा दिया जाता है या फिर उसको पैसे के आगे घूस दे के दबाया जाता है, लेकिन इस पत्रकार की सच्चाई को, इसकी कलम को देखिए कि इसने वह लिफाफा तुरंत वापस कर दिया। देखे AHN की एक खास रिपोर्ट। इसमें तो आपका नहीं नहीं गलत तरीका आपने मतलब हम तो अभी मैंने गया ना कि नंबर दिला मिलाऊं तो उसमें पैसा निकल रहा है मतलब बहुत मतलब सांसा तो लगा मैं बिल्कुल क्लियर सच्चाई में था, उसमें एक्चुअली लिखा भी था ना ऊपर जो आप नोटिस कर नोट कर रही थी, तो वो मैंने सोचा बस BSA ऑफिस में आप बात कर रही थी, हमने BSA ऑफिस का नंबर दिया हुआ आपने, अब उसमें आप पैसा दे रही थी खरीदना, मैं बिकना बिकाऊ नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं मैम मैम मैं बिकाऊ नहीं था, आप क्लियर कर देती है मैं पैसा है मैम, मुझे अभी मैं वापस आना पड़ गया, नहीं नहीं हम मैम कुछ हमने आपसे पहले कहा मेरे सीनियर सर हैं वो जब जानकारी कर रहे हैं, मैंने आपको क्लियर अभी शायद करके कर गए थे, आप मुझे घूस दे रही हैं आप, ये बहुत बड़ा क्राइम है मैम, बहुत बड़ा क्राइम है जो आपने किया। पहली बात तो कोई चीज अवैध नहीं, अगर आपके नजर में कोई अवैध है तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी काम है
हमेशा जुड़े रहो हमसे, हम भी जुड़ना चाहते हैं। पहली बात तुम्हारा भी काम चलता है, हमारा कोई ऐसा काम, अगर आपको कहीं गलत फहमी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको सुधारा जा सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कहीं आपके मन में है कोई तो उसको सुधारा जा सकता है। चलिए मैम वो ठीक है, पर ये चीज़ गलत था जो जीत थी, पर ये चीज़ गलत था जो आपने किया मैम। पर्सनली अगर कोई चीज़ हो तो हमको बताना। नहीं पर्सनली मैम देखो जो भी हमने आपसे कहा था, मेरे लायक जो मदद करने लायक मैं करूँगा, पर उसका मतलब ये तरीका गलत था कि आपने मुझे खरीदने की कोशिश कर ली। अच्छा वो हम अब सर से मैं बता दूंगा मैम आपसे, मुझे मिलना है आप लोगों से, आप अपना सर को ले लीजिएगा, बट मैं सर से बात करूंगा, मैं बता दूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना कि कोई वो मतलब इशू नहीं, मैं इसके लिए नहीं आता, मैंने सदा आते मैंने कहा था कि मैम इस सब चीज़ के लिए मैं नहीं आता हूँ, और आपने मुझे समझा कि रतनपुर के पत्रकार हैं कि 1000-2000-5000 इस टाइप का मैं ये सब नहीं करता हूँ। चलिए मैम मैं अभी बताऊँ जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ, पर ये चीज़ गलत है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा ये जो भी कोई समस्या हो जो भी आपको जैसे कुछ लगा है माना के तौर पर जो भी कुछ चाहिए हो जो भी हो तो हमको बता जी भाई, कोई बाहर जाने से पहले एक बार बैठ के जो हम मसला हल कर लें। लेकिन अब ये जो भी अनुज है मतलब सिर्फ ओनली वन आप होंगे। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश, यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।